students, how are you? I hope you all are good and going good. Okay, really? So today we are going to start our new chapter, which is based on nouns. A noun is the name of a person, animal, place, feeling, or thought. In other words, the name of anything is called a noun. So noun to bachpan se padhte aa rahe hain na, childhood se. Kya hota hai noun? Name of a person, animal, place, or feeling, and thought. So kinds of noun. First noun is proper noun. A proper noun is the name of a particular person, place, animal, or thing ke bare mein batata hai. Wo kaisa hona chahiye? Particular. You have to assume this word particular person. Means we are talking about a particular person, place, animal, or thing. Means which we are talking about the proper noun. So here are some examples. Rahul is a nice boy. So just we are talking about only Rahul. Rahul is a particular person, not a Mohan, not a Sohan, not the boy. Only Rahul is a nice boy. The word is a, Rahul is a particular name of a person. So Rahul is a proper noun. Some more examples of proper noun. First is Taj Mahal is in Agra. So Taj Mahal and Agra is a specific. Okay. We live in Delhi. So Delhi is a specific. Mumbai is one of the biggest cities of India. Mumbai and India. In above sentences, Taj Mahal, Agra, Delhi, Mumbai are examples of proper noun. So remember, begin the proper noun with the capital letter. Hamesha proper noun kise start hoga beta? First letter should be in capital form. So second is common noun. It is a name given in common of every person or thing of a same class or same kind. यहाँ पर वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था? पर्टिकुलर के बारे में पढ़ा है ना, स्पेसिफिक है वो. लेकिन कॉमन के अंदर हम क्या है, सेम क्लास एंड सेम काइंड के बारे में और सेम पर्सन या थिंग के बारे में बात करते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, कॉमन उसके बारे में बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन नाउन. सो सम एग्जाम्पल्स आर हेयर. फर्स्ट इज रमेश इज अ हैंडसम बॉय. द वर्ड बॉय कैन बी यूज फॉर एनी बॉय. इट डज नॉट रेफर टू अ पर्टिकुलर बॉय बट इट इज कॉमन टू एवरी बॉय. ओके, तो सेंटेंस क्या बोल रहा है, रमेश इज अ हैंडसम बॉय. तो यहाँ पे जो बॉय वर्ड आया है वो बॉय किसके लिए आया है, वो कॉमन नाउन के लिए आया है. नेक्स्ट इज कलेक्टिव नाउन. अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स इज नोन एज कलेक्टिव नाउन्स. जब हम ग्रुप की बात करते हैं ना, सेम क्लास होनी चाहिए, ठीक है, सेम पर्सन, सेम क्लास, सेम थिंग के बारे में बात करते हैं और उसको कलेक्टिव देखते हैं. ओके, एक ग्रुप में एज्यूम करते हैं तो वी कैन कॉल इट कलेक्टिव नाउन. सो एग्जाम्पल इज हेयर हर्ड, अ कलेक्शन ऑफ एनिमल्स. ओके, एनिमल्स के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, हर्ड बोलेंगे. फ्लीट, अ कलेक्शन ऑफ शिप्स और वेसल्स. क्राउड, अ कलेक्शन ऑफ पीपल. एन आर्मी, अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स. तो आप देख रहे हो सोल्जर्स है ना, सेम ग्रुप हो गया, सेम कैटेगरी और सेम पर्सन्स की बात कर रही है, कर रहे हैं. तो यहाँ पर इसलिए हम सोल्जर्स की बात कर रहे हैं. जब सोल्जर्स इकट्ठे हो जाते हैं, ग्रुप में हो जाते हैं, तो वी कैन कॉल इट एन आर्मी. सो नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द नेम ऑफ थिंग्स विच कैन नॉट बी टच्ड एंड कैन नॉट बी सीन बट कैन ओनली बी थॉट अबाउट और फेल्ट आर नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ऐसे नाम, ऐसी चीज़ों के नाम जिनको आप छू भी नहीं सकते. ओके, सिर्फ जिनको फील कर सकते हो. आप देख नहीं पाते उनको, आप छू नहीं सकते हो, ओनली फील करते हो, थिंक करते हो, सोचते हो उनके बारे में. तो वी कैन कॉल इट एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सम एग्जाम्पल्स, ट्रुथ, ब्यूटी, हैप्पीनेस, जॉय, फियर, चाइल्डहुड, यूथ, डेथ, पॉवर्टी, एटसेट्रा. सो कैन यू टच देम? नो, वी कैन ओनली फील देम. सो नेक्स्ट इज मटीरियल नाउन. अ नाउन विच डिनोट्स अ मैटर और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड मटीरियल नाउन. जिनसे चीज़ें बनाई जाती है ना, जिनसे डिनोट करते हैं किसी मैटर और सब्सटेंस से, जिनसे हम अदर चीज़ों को बनाते हैं. अदर चीज़ों को कैसे, हमने अगर यूज़ किया वुड को, तो वुड से हम क्या बना सकते हैं, आपके घर में चेयर है, स्कूल में टेबल है, ओके, कोई अलमीरा है, तो हमने वुड का यूज़ करके एक किस चीज़ को बनाया, एक थिंग को तैयार कर दिया है ना. तो जो मटेरियल है हम उनका यूज़ करके थिंग्स को
एक शेप दे सकते हैं. जैसे हम किस किस का यूज कर सकते हैं मटेरियल नाउन में, वुड, आयरन, गोल्ड, क्लोथ, सिल्वर, राइस, शुगर, वाटर, ग्लास एट्सेट्रा. सो काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल्स नाउन. इन मटेरियल नाउन वी कैन एड सम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स. सो काउंटेबल नाउन, द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड विद अ नंबर आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन, जिनको आप काउंट कर सकते हो, लाइक अ बुक, फॉर वॉचेज, टू मैंगोज एट्सेट्रा. सो यू कैन काउंट अ बुक ऑल्सो, वॉचेस, मैंगोज. ओके, सो वी कैन इंक्लूड इट इन countable nouns. Uncountable nouns, nouns that cannot be counted are called uncounted noun. Uncountable nouns are qualified by word that signifies amount. All material and subtract nouns are uncountable noun. जितने भी हम देखते हैं, जितने भी materials हैं और जितने भी abstract noun हैं, okay? Abstract noun का क्या था, जिनको हम छू नहीं सकते, only feel कर सकते हैं, तो वो क्या है, abstract noun थे. तो abstract noun और material noun दोनों को हम uncountable category के अंदर रखेंगे, uncountable nouns के अंदर categorize करेंगे. Some nouns have the same form for both singular and plural number. Example, dozen, score, pair, hundred, sheep, deer, aircraft, series, species, etc. Some nouns are used only in the plural. Plural में example कौन कौन से हैं, जैसे for example glasses, spectacles, scissors, trousers, jeans, etc. Some nouns look like plurals but they are in fact singular. वो कैसी होती है, plurals में होती हैं लेकिन वो कैसी होती हैं, singular दिखाई देती है आपको. Plurals में होते हुए भी singular दिखाई देती हैं. For example, some subjects are there, mathematics, physics, news, billiards, etc. So some examples are here for plural but we can include in a singular form. So students, इसको अच्छे से पढ़ना है, about the nouns किस तरह के हैं और about the kind of nouns, तो उनको read करना है, watch out करना है. Thank you for watching students.